बाय द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सफुल। माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अरशद। माय डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर पार्ट वन का यूनिट नंबर 4, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, वो स्याह रंगत और सुनहरी आँखों वाले लोग थे। इस कहानी को, इस शॉर्ट स्टोरी को रे डॉगलस ब्रैडबरी ने लिखा है, जो 22 अगस्त 1920 को वेकेजन इलिनियस अमेरिका में पैदा हुए हैं और 5 जून 2012 को कैलिफोर्निया में उनकी डेथ हो गई। अमेरिकन राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, क्राइटिक हैं, स्क्रीन राइटर हैं। अगर हम बात करें उनकी तसानीफ में, तो हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनमें हॉरर है, सोशल क्रिटिसिज्म है, मैजिक है, कॉमिक बुक्स है। यानी कि उनकी तसानीफ में हमें कुछ जादुई चीज़ें मिलती हैं और कुछ मज़ाहिया चीज़ें भी मिलती हैं। अगर हम बात करें रे डगलस ब्रैडबरी का सबसे मशहूर नावल, जिसकी वजह से वो शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे थे, तो उसका नाम है फारेनहाइट 451। फारेनहाइट 451 इज द मोस्ट फेमस नावल। और अगर हम बात करें इसके दीगर तसानीफ में, जो इसको बामे उरूज तक पहुंचाती हैं, उसमें है द मार्शियन क्रॉनिकल्स, द इलस्ट्रेटेड मैन, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। और ही इज नोन as one of the most widely read author of USA in 20th century and 21st century, यानी कि 20वीं और 21वीं सदी का ये अमेरिका का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला नॉवलिस्ट है या आथर है या राइटर है। अगर हम बात करें रे डगलस ब्रैडबरी की तसनीफ के करेक्टर्स किस तरह के होते हैं, तो फ्यूचरिस्टिक करेक्टर्स और इमेजिनरी करेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिकन डिसीजन टू कॉलोनाइज द मार्स। जैसा कि ये हमारे पास डार्क देवर गोल्डन आइड है, इसमें एक अमेरिकन डिसीजन है टू कॉलोनाइज मार्स, जैसे अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो ज़मीन के साथ साथ बाकी सैारों पर भी अपना कब्ज़ा जमाए। तो ऐसा ही कुछ करेक्टर्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। अगर हम इस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी डार्क देवर एंड गोल्डन आइड के मेन करेक्टर्स की बात करें, तो वो मेजर जो करेक्टर्स हैं वो 5 हैं। इसके अलावा दिगर करेक्टर्स हैं वो भी हैं, लेकिन जो मेजर करेक्टर्स उसमें हैरी बिटरिंग है और उसकी बीवी कॉरा बिटरिंग है, डेविड एंड डान इनके 2 बच्चे हैं, और लायरा इनकी डॉटर है, इनकी बेटी है। तो ये 5 मेन करेक्टर्स हैं जिसके ऊपर अभी हम बात करने लगे हैं। अगर हम इस स्टोरी का तज्जिया करें, एनालिसिस करें, तो ये कहानी हमें अपनी ज़मीन से मोहब्बत का दर्स देती है। इंसान चांद और मरीख पर जाने की तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन अगर वो इस दुनिया के मसाइल पर तवज्जो दे और इन्हें मोहब्बत, बेलौसी और भाईचारे की फ़िज़ा में हल करने की कोशिश करे, तो यही दुनिया अमन का गहवारा बनकर अर्जी जन्नत बन जाएगी। और जो रे डगलस ब्रैडबरी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि मरीख पर इंसान की बेबसी और लाचारगी की खूबसूरत अंदाज में जो तस्वीर कशी की है, अल्फाज और फिक्रों की बनावट ऐसी है कि जो भी रीडर है उसके सामने मरीख की ज़िंदगी की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर बन जाती है, और वो दुनिया के दुखों को भुलाकर उसे खुदा की एक नेमत समझने लगता है। अगर हम बात करें तो अपनी ज़मीन से मोहब्बत करो, ये इस कहानी का मौजू है। ब्रिटिश ख़ानदान के 5 अरकान कुछ दिगर अफराद के साथ ज़मीन पर मुतवक्के एटमी जंग से फरार हासिल करने के लिए एक राकेट पर बैठकर खला में एक दूसरे सैारे पर, मरीख पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उनको एहसास हो जाता है कि ज़मीन, बेशक इसके ऊपर भूख भी है, बीमारियां भी हैं और जंग की होलनाकियां भी हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कायनात किसी भी दूसरी जगह से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। जब वो मरीख पर ऐसी पुरअसरार चीज़ें मिलती हैं जो वहाँ ज़मीन से आने वाले जो पहले लोग थे उनके अंदर तब्दीलियाँ पैदा कर देती है, तो हैरी ज़मीनी तौर तरीक़ों से चिमटे रहने पर डटा रहता है, ताकि अपने अफराद के ख़ानदान के लिए मरीख पर ज़मीन का माहौल बना सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास होने लगता है कि अजीबोगरीब तरीके से बदलते जा रहे हैं और उनका ज़मीनीपन ख़त्म हो रहा है। वो वापस अपनी ज़मीन पर जाने की ख्वाहिश करते हैं और उन्हें 5 साल तक वहाँ रुकना पड़ता है। बिल आखिर ज़मीन से एक रॉकेट उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचता है, और उस रॉकेट के ज़रिए वो फिर वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। तो राइटर का जो बताने का मकसद है वो यह है, इस ज़मीन के ऊपर भले हमें किस तरह के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो हमारी अटैचमेंट इस अर्थ के साथ हो चुकी है और जो सहूलतें हमें इस ज़मीन पर मुयस्सर हैं, वो किसी और सैारे पर मैं भी ना हूँ। अगर हों भी हूँ तो हम चूँकि ज़मीन लोग हैं, इसलिए हमारा किसी दूसरे सैारे पर रहना तकरीबन नामुमकिन है। तो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।